हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं, इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था का प्राप्त करें, इस प्रश्न को आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। इसको हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन के कैटेगरी के द्वारा पढ़ेंगे और बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। तो पहले किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम है क्या? तो किरचॉफ का दो नियम होता है। पहला नियम हमारे सामने लिखा हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर इस प्रकार से ये कोई एक बिंदु है, यहाँ पर ये कोई एक बिंदु है जहां पर बहुत सारी विद्युत धाराएं आपस में मिल रही है। फिलहाल मैं चार ले रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर ये आई वन इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये आई टू यहाँ से जा रही, इस बिंदु से जा रही है, ठीक है। और ये इस बिंदु की तरफ आ रही है आई थ्री, और ये आई फोर इस बिंदु से दूर जा रहा है। इस प्रकार से हमने चार धारा ले लिया। ये जो चारों के चारों धारा इस बिंदु पर मिलती है, इन सब का योगफल जीरो होता है। बस ये कहता है किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है। अब हम लोग इसमें चिन्ह कैसे लगाते हैं, जो धारा आने वाली होती है उसको हम लोग धनात्मक ले लेते हैं और जाने वाली धारा को ऋणात्मक ले लेते हैं। जैसे कि आई वन, आई वन अगर हमारा प्लस होगा तो I2 हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस I2। I3 आने वाली है तो I3 हो जाएगा प्लस में, I4 जाने वाली है तो I4 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बराबर हम लोग लिखेंगे इसको जीरो के। और अगर चाहे तो I2 और I4 को उधर भी भेज सकते हैं, तो I1 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I4, ठीक है। इतना सा है हमारा कूलम का ये किरचॉफ का पहला नियम। ये कोई ज्यादा भारी बातें है नहीं, आप अगर इसको आसानी से समझ लोगे तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को भी आसानी से प्रूविंग कर लोगे। इसलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को सत्यापित करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले। किरचॉफ का पहला नियम, अब आप पढ़ो भाषा। चालकों के किसी जाल में, ये एक बंद जाल है, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणित योगफल शून्य के बराबर होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर जीरो, इस प्रकार से फॉर्मूला। और अगर हमारे पास एक डायग्राम रहे तो उसमें हम लोग ऐसे करके ये I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से इसका चिन्ह लेते हैं, जैसे कि अगर आने वाली धारा को हमने प्लस में लिया तो जाने वाली धारा को माइनस में लेना अपने आप पड़ जाता है, ठीक है। तो आपने पहला नियम को समझ लिया। अब चलते दूसरे नियम की तरफ। हमारे सामने हमारा है किरचॉफ का दूसरा नियम, और किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये काम करता है किसी ना किसी एक बंद जाल के लिए। बंद जाल का मतलब इस प्रकार से ये एक प्रतिरोध है और यहाँ भी इस प्रकार से एक प्रतिरोध है और यहाँ भी इस प्रकार से एक प्रतिरोध है, इस प्रकार से, ठीक है। ये सब के सब विद्युत परिपथ से जुड़े हुए हैं, ये सब के सब विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ। मान लेते हैं इसको ये R1 और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो है I1, ठीक है। इसको मान लेते हैं R2 और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो है I2। और इसकी डायरेक्शन थोड़ी इधर की तरफ मान लेते हैं, इसमें दो धारा प्रवाहित हो रहा है I3 और ये क्या है R3, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे पास एक डायग्राम है, एक बंद जाल की एक बंद रचना का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये बंद रचना का निर्माण कर रहा है उसमें प्रत्येक, यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक जो प्रतिरोध है R1 R2 R3, ठीक है, और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है R1 में I1 R2 में I2 R3 में I3, इन दोनों के गुणनफल का बीजगणित योगफल इसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है दूसरे नियम का। कैसे बोलोगे आप, भाषा पढ़ो जरा सा। किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये बंद परिपथ हमारा, इसके प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है तथा उसके प्रतिरोध और वो जिस प्रतिरोध से होकर के प्रवाहित हो रहा है, जैसे I1 R1 के, I2 R2 का, I3 R3 के, ठीक है, के गुणनफल, के गुणनफल का बीजगणित योगफल क्या होता है, परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे कि आप अगर लिखना चाहो तो विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल, इसका नहीं, इसका बीजगणित योगफल, यानी कि सिग्मा हम लोग ले लेते हैं, समेशन का साइन होता है, ये जोर का निशान होता है, और ये बराबर होता है इसी परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के। विद्युत वाहक बल को इससे सूचित करते हैं, और अगर टोटल है तो टोटल के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑलरेडी फॉर्मूला में लिखा हुआ है।
लेकिन अगर हम लोग इसको टुकड़ा टुकड़ा में लिखना चाहे तोड़ तोड़ के इस डायग्राम के लिए, तो क्या लिखेंगे, जैसे I1, I1 ये किस प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रहा है, R1 में से, तो I1 into R1, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो आप I2, इधर की तरफ I1 इधर से इधर की तरफ गया, फिर इधर से इधर की तरफ आ रहा है, I1 I2 सेम डायरेक्शन में है, तो I2 प्लस में ले लेंगे, और इनटू में क्या होगा, ये किससे प्रभावित हो रहा है, R2 से। अच्छा ये इधर से गया और ये इधर से आया, अब ये जो I2 इधर से इधर की तरफ आ रहा, अब इसको यहां से इधर की तरफ जाना चाहिए। मैं बिंदु लिख दूं ABC, आई ए से बी की तरफ गया, I2 बी से सी की तरफ गया, तो I3 को सी से ए की तरफ जाना चाहिए था I1 और I2 के हिसाब से, मगर I3 ए से सी की तरफ जा रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा विपरीत डायरेक्शन हो गया, इसको हमें लेना पड़ जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा I3 इंटू R3 बराबर में कुल विद्युत वाहक बल होनी चाहिए, और विद्युत वाहक बल हमेशा होता है सेल का। इस डायग्राम आप देख लो, कोई सेल लगा हुआ नहीं दिखेगा, यानी इसका विद्युत वाहक बल हो गया 0, ठीक है। तो अब चाहो तो आप उस माइनस वाले पार्ट को उधर भी भेज सकते हो, ये तो बड़ी आसान सी बात हुई। तो उम्मीद है कि आपने किरचॉफ का दोनों नियम समझ लिया होगा, अगर आपने किरचॉफ का दोनों नियम समझ लिया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज का परिभाषा, परिभाषा से पहले हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टोटल 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R और S, दिख गया होगा आपको। इन चारों प्रतिरोध को हमने क्या किया, एक चतुर्भुज के भुजा के रूप में, चतुर्भुज क्या है, A से B, B से C, C से D और D से E, एक चतुर्भुज के भुजा के रूप में हमने इसको सजा करके रखा हुआ, ठीक है। तो 4 प्रतिरोध P, Q, R और S को, हमने एक चतुर्भुज की भुजा के रूप में सजा दिया है, लेकिन इस प्रकार से सजाया है कि इसके दो सिरे, इसके जो दो शीर्ष हैं B और D, इनके बीच में क्या क्या है, एक गैल्वेनोमीटर होगा, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, और नीचे क्या, एक प्लग कुंजी है। ठीक उसी प्रकार से इसके बाकी के दो सिरे A और C के बीच अगर आप देखो तो ये इधर से आपको दिखेगा एक सेल है और एक कुंजी है, ठीक है, इधर की तरफ से। तो ये इसकी व्यवस्था होगी, बनावट होगी, और इसी के आधार पर हम लोग इसका डेफिनेशन भी बना लेंगे। क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं, 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं, जिसको हम लोग चतुर्भुज के 4 भुजा के रूप में सजाते हैं इस प्रकार से, इसके दो बिंदु B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक प्लग कुंजी आ जाए, और इसके बाकी के दो बिंदु A और C के बीच में एक सेल और एक प्लग कुंजी आ जाए, ठीक है। अब आप ऊपर चल के डेफिनेशन को देखो जरा सा, अब हम लोग ऊपर चल के डेफिनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यदि 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो परस्पर सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यानी कि 4 प्रतिरोध को हमने यहाँ पर PQRS 4 प्रतिरोध को जोड़ा है, और उसके दो सम्मुख बिंदु, इसके दो सम्मुख बिंदुओं के बीच क्या है, एक गैल्वेनोमीटर और एक प्लग कुंजी भी है, ठीक है, और शेष दो सम्मुख बिंदुओं के बीच में क्या था, एक सेल लगा दिया जाए, तो इस प्रबंध को इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इस प्रबंध को यानी इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और यदि ब्रिज के चारों प्रतिरोधों के मान, यदि ब्रिज के चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार के लिए जाए कि जिससे गैल्वेनोमीटर, ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, नीचे देखना बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी कि इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो इस अवस्था में ब्रिज को संतुलित अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम आसानी से समझ लिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, यदि 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तथा दो परस्पर सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर और शेष दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया जाए, तो इस प्रबंध को ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त क्या है, अगर चारों प्रतिरोधों PQRS का मान इस प्रकार से लिया जाए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी कि इसमें प्रवाहित धारा IG का मान, इसमें प्रवाहित धारा IG, गैल्वेनोमीटर प्रवाहित धारा को हम लोग IG मान लेते हैं, बराबर अगर 0 हो तो ये कहलाएगी संतुलन की अवस्था में। और हम लोगों को अब वही काम करना है, संतुलन की अवस्था का निर्धारण, यानी कि हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं संतुलन की अवस्था, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को अब हम लोग प्रूविंग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इस डायग्राम की बहुत ही ज्यादा मदद लेनी पड़ेगी, और आपको काम लगेगा यहाँ पे किरचॉफ के दोनों नियम का भी। किरचॉफ का पहला नियम ध्यान रखना, इस बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योगफल शून्य के बराबर था, और इसमें
ये आई वन इंटू आर वन प्लस आई टू इंटू आर टू माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री बराबर जीरो था, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ। ठीक है, इन सब का यूज करके अब हम लोग शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम, सॉरी शॉर्टेस्ट ब्रिज को साबित करने के लिए। तो हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पर किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम पहले लगाएंगे, किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के पहले नियम से दो बार हम लोग किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे और दो बार किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे और यह हमारा आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम कहाँ पर लगाओगे आप, ध्यान से सुनना, बिंदु बी पर हम लोग पहले लगाएंगे। बिंदु बी पर आपको डायग्राम को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से ही तो हम लोग फॉर्मूला प्रूव करेंगे ना। बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी पर आप किरचॉफ का पहला नियम लगाओ। आप यहां से ध्यान से देखना, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर आने वाली धारा जाने वाली धारा को पहचानो। बिंदु बी की तरफ देखना, ये आई वन, आई वन की डायरेक्शन आपको दिख गया, बी की तरफ आ रहा है। ठीक है, और आई टू को देखो तो बिंदु बी से दूर जा रहा है। ठीक है, एक और देखिएगा, आई जी को आप देखो तो आई जी को ये बिंदु बी से दूर जा रहा है, यानी तीन धारा है टोटल जो कि बिंदु बी पर मिलती है, जिसमें से एक बिंदु बी की तरफ आ रही है, बाकी दो जा रही है। तो बिंदु बी पर आने वाली धारा आई वन को अगर हम लोग प्लस में लेते हैं तो बाकी दो को माइनस में लेना पड़ जाएगा, और लेकिन इन सब का योगफल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो मैं नीचे लिख दूं, बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, आई वन तो हो जाएगा प्लस में, आई वन हो जाएगा प्लस में, लेकिन बाकी के माइनस में आई टू और माइनस में हो जाएगा आई जी, और इन सब का योगफल कितना, जीरो के बराबर। और अगर संतुलित अवस्था में है ये, अगर ये संतुलित अवस्था में है तो आई जी का मान तो जीरो होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, इसलिए हमारा यहाँ से आई वन बराबर आ गया है आई टू, और ये है हमारा समीकरण नंबर एक, पहला समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया। और इसी प्रकार से आपको एक और बिंदु पर लगाना है किरचॉफ का पहला नियम, नीचे वाले बिंदु, ये डी बिंदु पर, बिंदु डी पर लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिंदु डी की तरफ कौन कौन विद्युत धारा आ रहा है या जा रहा है। बिंदु बी डी पर ध्यान देना, ये I3 आपको दिख गया होगा, I3 बिंदु D की तरफ आ रहा है, यानी कि अगर इसको प्लस में लेंगे तो I4 को देखो ये बिंदु D से दूर जा रहा है, इसको माइनस में लेना पड़ जाएगा। अच्छा, IG भी तो बिंदु D की तरफ आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा, आ रहा है इसकी तरफ, तो I3 और IG को प्लस में लेंगे, I4 को माइनस में ले लेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं अब लिखने के लिए, बिंदु D पर लगाना है, बिंदु D पर कहां पर, बिंदु D पर लगाना है किरचॉफ का पहला नियम। क्या था वहां पे बिंदु D पर, एक बार जरा सा डायग्राम देख ले, I3 आ रही है, I4 और सॉरी I3 और IG दोनों आ रहा है, I4 जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा I3 प्लस IG, लेकिन I4 जा रहा था तो माइनस में I4, ये हो जाएगा जीरो के बराबर। और चूंकि संतुलन की अवस्था में IG तो मान जीरो होता है, तो इसलिए हमारा I3 बराबर क्या हो जाएगा, I4 उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा, I3 बराबर I4, ये हमारा समीकरण नंबर दो हुआ। अब क्या करते हैं, समीकरण एक और दो को भाग लगा लेते हैं, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे बाद में जा करके। समीकरण एक भागा दो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, समीकरण एक भागा दो करेंगे तो बायां भाग में बायां भाग लगाएंगे, I1 बट्टा I3 बराबर दायां में दायां को I2 बट्टे I4, I2 बट्टा हो जाएगा I4, और ये हुआ हमारा समीकरण नंबर तीन। ठीक है, इसका हम लोगों को यूज करना है। तो हमने किरचॉफ का पहला नियम यहाँ पे लगा लिया है दो बिंदु पे, बिंदु बी और बिंदु डी पर। ठीक है, किरचॉफ के पहले नियम से बिंदु बी और बिंदु डी पर, मैं इधर ही लिख रहा हूं। अब आगे एक बार और हम लोगों को किरचॉफ का नियम लगाना है, और वो भी दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। और किरचॉफ का दूसरा नियम आपको याद होनी चाहिए, बंद जाल के लिए था ना, आई और आर का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के लिए बराबर होता है। अच्छा, इसमें अब हम लोगों को जाल ढूंढना पड़ेगा, जाल ढूंढना पड़ेगा, जाल मैं आपको दिखलाता हूँ, देखना ध्यान से, पहले इसको मिटा लेता हूँ। बंद जाल ढूंढना, आपको एक जाल दिख जाएगा यहाँ से, मेरे कलम को देखना, पेन को, ये जो हमारा एरो का साइन है, ठीक है, ये ए बी डी दिखा आपको, ये वाला एक त्रिभुज बाईं तरफ, इसमें दो जाल आपको दिख जाएगा, एक ये बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। ठीक है, दोनों में हम लोग एक एक बार किरचॉफ का नियम लगाएंगे, लेकिन इस बाईं तरफ वाले में पहले लगाएंगे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए बी डी, और साथ में ये भी लगा सकते हैं क्योंकि एक क्लोज हो जाएगा। तो किरचॉफ का दूसरे नियम से कहां पे, ए बी डी, ये सॉरी बी है, अच्छे से लिख देता हूँ,
ABDA के लिए, ABDA के लिए यानी कि A से B से D से फिर A तक वापस आ गया, ठीक है, ABDA के लिए, ठीक है। इसमें आप किरचॉफ का पहला नियम लगाओ, सॉरी दूसरा नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, ऊपर अगर मैं जाकर का आपको दिखाऊं तो आप देखना, विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, विद्युत धारा जैसे I1 into R1, I2 into R2, ठीक है, I3 into R3 बराबर होता है जीरो अगर इसमें कोई सेल ना लगा हुआ हो तो। और फिलहाल अभी हमारे ए बी डी ए में भी कोई सेल नहीं लगा है तो इसमें भी जीरो होगा, लेकिन क्या I1 into P, ठीक है, I1 into P, इसकी डायरेक्शन को देखना, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये IG into G हो जाएगा, IG into G हो जाएगा, ठीक है, IG into G हो जाएगा, और फिर ये वाला I3 into R हो जाएगा। अब सबकी डायरेक्शन पर भी फोकस करना, ठीक है, सबकी डायरेक्शन पर भी आप फोकस करना। I1 A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है, B से D की तरफ आ रहा IG, तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और D से A की तरफ जानी चाहिए थी I3 को, लेकिन ये उल्टा A से D की तरफ आ रहा, तो ये केवल अलग दिशा में, इन दोनों को हम लोग प्लस में ले लेंगे और इसको माइनस में ले लेंगे। और नीचे लिखा जाए वो ABDA के लिए हमारा किरचॉफ का पहला नियम क्या होगा, I1 into P प्लस IG into G, और ये माइनस में हो जाएगा क्या, I3 into R है ना, एक बार देख ले, हाँ R, I3 into R, और इसमें चूंकि कोई सेल नहीं लगा हुआ तो ये सब के सब बराबर हो जाएगा जीरो का। और हम लोग जानते हैं इस IG का मान तो संतुलन के शर्त के लिए जीरो, तो बाकी बचा ये दोनों चीज, तो यहाँ से हमारा I1 into P बराबर हो जाएगा I3 into R, ठीक है। अब हम लोग इसको भाग लगा लेते क्योंकि समीकरण तीन आपको याद होगा, समीकरण तीन हम लोगों को यहाँ पे लाना है, I1 इधर ही रहने देते हैं I1, और उधर जो है I3 इसको उधर की तरफ ले आता है, तो ये हो जाएगा I1 बट्टा I3 बराबर में, R इधर ही रहने देते हैं और ये जो P है इधर गुणा में रहेगा तो भाग में, और ये हमारा समीकरण नंबर चार हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर चार। और इसी प्रकार से एक बार और लगाना किरचॉफ का नियम, ये दाया वाले भाग में, अभी हमने बाएं वाले भाग में लगा लिया, अब दाएं वाले भाग में लगाना, इस वाले भाग में, ठीक है, इसका नामकरण पहले क्या होगा, बी सी डी हो जाएगा, ठीक है, बी सी डी, बी सी डी के बाद आप इधर नहीं भाग जाओ, इसलिए बी सी डी बी हम लोग लिख देते हैं, बी सी डी बी, कहां पे, बी सी डी बी के लिए, बी सी डी बी के लिए, बी सी डी बी के लिए हम लोग लगाने जा रहे हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। देखा जाए BCDB के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होगा, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणित युगफल, पहले आप फोकस करो I2 पर, I2 into Q हो जाएगा, ठीक है, यहां से I2 into Q हो जाएगा, और ये I4 पर फोकस करो तो I4 into S हो जाएगा, ये दोनों तो एक दूसरे की उल्टा डायरेक्शन में है, I2 देखो B से C की तरफ जा रहा है तो I4 को C से D की तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये तो D से C की तरफ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर I2 को प्लस में लेंगे तो I4 को माइनस में लेना पड़ जाएगा। और अगर आप IG को देखो, IG into capital G को, ये भी क्या हो रहा है, I4 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम लोग I2 को प्लस में ले तो इन दोनों को माइनस में लेना पड़ जाएगा, तो चलो लिखते हैं I2 into Q, I4 into S, IG into G, इन सबको हम लोग नीचे लिखते हैं। क्या था, I2 into Q माइनस में I4 into S और माइनस में IG into G बराबर क्या होगा, जीरो, और IG का मान तो जीरो ही है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, I2 into Q बराबर I4 into S, और यहां से हम लोग फिर से I2 को इधर ही रहने देते, I4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, I2 बट्टा I4 बराबर S इधर ही रहने दो और ये Q को इधर ले आओ तो ये बट्टा में आ जाएगा, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर पांच, ठीक है। अगर आप समीकरण नंबर तीन को यहां से देखो, ये हमारा समीकरण नंबर तीन, समीकरण तीन में कह रहा है कि I1 बटे I3 बराबर I2 बटे I4, और समीकरण चार और पांच को देखो, I1 बटे I3 बराबर R बटे P का, और I2 बटे I4 बराबर S बटे Q का, यानी कि समीकरण नंबर तीन से, यहां से मैं एक अलग स्टेप ले रहा हूं, समीकरण नंबर तीन से, समीकरण नंबर तीन से, समीकरण नंबर तीन से क्या होगा, समीकरण चार, समीकरण चार बराबर हो जाएगा समीकरण पांच का, तो इसका मतलब ये बायां बायां दोनों का बराबर है, समीकरण चार और पांच का, I1 बटे I3, I2 बटे I4, तो बच गया R बटे P, बराबर भी होनी चाहिए S बटे Q का, बिल्कुल होगा, तो R बटे P जो है ये बराबर होनी चाहिए S बटे Q का, ठीक है।
अब ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ी सी सजावट इसमें डाल देते हैं, इसमें थोड़ी सी हम लोग क्रिया कर लेते हैं। तो पी जो अभी है, पी और एस को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, पी को यहाँ ले आते हैं और एस को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आर बट्टा ये एस यहाँ आ गया और ये बन जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको यहाँ समझने में परेशानी हो रही हो तो। अगर आपको यहाँ पर समझने में परेशानी हो रही है को कैसे होगा, तो आप कोना कोनी गुना कर लो, यहाँ पे P इंटू एस हो जाएगा और इधर से हो जाएगा R इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, P को इधर ही रहने देते हैं, P को इधर ही रहने देते, Q जो इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। और R को उधर ही रहने देते, S जो अभी गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे S, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यही नीचे आप लिख दोगे कि यही संतुलन की शर्त है, क्या है ये संतुलन का शर्त, यही संतुलन का शर्त, यही संतुलन का शर्त है। तो इतना आपको ये पूर्व ही करना था, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, किरचॉफ का नियम और हिटेस्ट एंड ब्रिज। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई दिक्कत रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बतलाना, हम लोग आपके डाउट को दिक्कत को दूर करेंगे। और अगर आपका कोई डिमांड हो, आपकी कोई परेशानी हो, कोई डाउट प्रश्न हो, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग उसको भी दूर करेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल टीस के पाठशाला को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और बेहतरीन क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।